वीडियोस देखते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे, तो वो पूछते रहते हैं, सबसे ही पूछते रहते हैं कि क्या करते हो क्या करते हो, तो मैं बता। और हाँ, जहाल 3 दिन 3-4 दिन के लिए गाँव जा चुकी है, तो वो तो उसके पास ये जाएगी नहीं, अब घर पर ही रहेगी, क्योंकि आपकी ठंड भी बच्चे को लगती है, तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैं नहाने जाने वाली थी, तो मैंने इसे कोको को दूध पिला दिया अभी, क्योंकि बच्चे को ना ऐसे बंदा बंदा सा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए उसके शरीर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। कोको अभी खेलने में लगी हुई है अपना, और ये मुझे देख रहे हैं यहाँ पे संतरे खा रहे हैं। मैं खाना बनाऊंगी अभी, और मुझे नाना भी था, मैं सबसे पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद नाना जाऊंगी, और फिर खाना वाना खा लेंगे बाद में, है ना। तो अभी यही है, बाकी यार इनकी तो सीरीज़ ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं कौन सी सीरीज देख रहे हैं। वेब सीरीज देख रहे हो ना, लो मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। मेरा बच्चा देखो कितना प्यार से यहाँ खेल रहा है, प्यार से क्या, गुस्से में आ जाती है जो कोई चीज इसकी पसंद की ना हो तो। ये देखो फैल गई, क्या बात है, फैल गई जी, फैल गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसमें घूम रही थी इसे बिठा के। मेरा बचपन, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिली बचपन में, तो मैं तो मजे ले लेती हूँ इसके। आप भी बैठोगे क्या इस पे? प्लीज बैठ जाओ, मेरे वजन से तो टूट जाएगी। पक्की बात टूट जाएगी, चलो तोड़ देंगे एक, आपका बचपन तो आ जाएगा वापस। तब आप यूज करोगे, तब वजन घटा लोगे? हाँ, कोई जवाब नहीं है। कुकू हेलो गाइस सबको, और काजल देखो कैसे फैला हुआ है इसके मुंह पे, हेलो कर दे बेटे। चलो गाइस मुझे खाना बनाना, देखो मैंने तैयारी कर रखी है, और ये आज साग बनेगा शाम को, साग और रोटी। अभी बन रहे हैं दाल और चावल, तो अभी बना लूंगी इसको और उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है गाइस। Moments later. तो गाइस खाना तो मेरा बन चुका है सारा, ठीक है। अभी मुझे नहाना है, खुद को भी नहलाना है, खुद भी नहाना है, और आशीष भी नहीं नहाए हैं, तो पहले वो नहा लेंगे। तब तक मैं ना कुकु का एक तेल तैयार कर रही हूँ, जो कि मैं उसके नहाने के बाद लगाती हूँ उसको, उसके पैरों में, उसके नाखूनों में, उसके सर पे, ताकि उससे गर्माहट रहे, नहाने की जो ठंडक है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। और जैसे काफ़ियों के घर में बच्चे भी हैं, और मेरे यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोकल में भी ना जो वीडियोस देखते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे, तो वो पूछते रहते हैं, सबसे ही पूछते रहते हैं कि क्या करते हो क्या करते हो। तो मैं बता भी देती हूँ कि मैं कोको को जैसे नहला देती हूँ ना, तो उसके बाद थोड़ी धूप दिखा दूँगी, थोड़ा तेल ऐसा लगा दूँगी कि मतलब सर पे, नाखूनों में, पैरों पे, हाथों पे, थोड़ा उसके नाभि पे, कि वो उसको थोड़ी गर्माहट रहे, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू अगर कोई जानना चाहता है कि हाँ मैं क्या करती हूँ, तो मैं यही करती हूँ। और अब उसका तेल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था। सर्दियों में मैं उसके सरसों का तेल लगाती हूँ, उसमें थोड़ी चीज़ें मिला के, और बाकी मैं गर्मी में उसका कोकोनट ऑयल जलाती हूँ, पैराशूट का, तो वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो तेल तैयार कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर इसे नहलाना भी है, तो पानी गर्म कर दिया मैंने इसका, वो नहलाएंगे फिर। अब ये पानी सूख गया, तो मैं तेल घेर रही हूँ, सरसों का तेल है ये, मैं ना इकट्ठा ही बना लेती हूँ, ताकि कुकू को फिर रोज़ रोज़ ऐसे उबा वो ना करना पड़े तेल को, तो ये इकट्ठा ही बन जाएगा। इतना तेल ना काफ़ी चल जाता है, क्योंकि बच्चे का छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, सर होता है थोड़ा सा, तो बस ये है कि इतना तेल तो काफ़ी टाइम चल जाता है, तो ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब इसे गरम कर रही हूँ, थोड़ा ही जब गरम हो जाए ना, तो इसमें मैं इसमें अजवाइन और मेथी डालने वाली हूँ। तो गाइस तेल हल्का फुल्का गरम हो गया, अब इसमें मैं अजवाइन घेर रही हूँ, इसे चटकने देंगे, और मेथी को भी। अच्छे से जब तेल खोल जाएगा ना, और ये चार लौंग घेर रही हूँ, लौंग भी अच्छी होती है, अब इसको अच्छे से पकने देंगे।
तो गाइस देखो सारी चीज़ें काली पड़ चुकी हैं और तेल जो है अच्छे से उबल चुका है, ठीक है। तो अब इसको ना यहीं पे बंद कर देंगे और इसको पूरा ठंडा करके ही बच्चे के लगाना होता है, ऐसा नहीं गरम गरम लगा दो। हल्का फुल्का गरम हो तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा गरम नहीं लगाना होता। इसको पूरा ठंडा करने के बाद ही मैं कुकू के शरीर पर लगाऊँगी। तो बस इसको गैस को बंद कर दो, हो गया ये तेल। इसको अच्छे से छान लेना और एक बॉटल में कर लेना ताकि ये कुछ टाइम तक चल जाए, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना, इसको इफ़ेक्टिव तो होता है ये। और रात को सोते टाइम भी लगा सकते हो बच्चे के, अगर उसे ठंड पकड़ चुकी है तो, मतलब उसको सर्दी जुकाम हो चुका है या फीवर हो रहा है, तो उसके नाखूनों पर मालिश कर दो तो बहुत अच्छा रहता है ये भी। अब कुकू की नहाने की बारी है। तेल तो उसका हो गया है, वो ठंडा भी हो जाएगा जब तक ही नहा के आएगी, है ना कुकू। फिर निन्नू करनी है ना मेरे बेटे को। और हाँ, जाल तीन चार दिन के लिए गांव जा चुकी है, तो वो तो उसके पास ये जाएगी नहीं, अब घर पे ही रहेगी। ये बहुत मिस करती है पता है जाल को, उसको पता है टाइमिंग कि मैं दिन में एक बार जाती हूँ फिर शाम को जाती हूँ उसके पास खेलने के लिए। पर कोई बात नहीं, वो जल्दी वापस आ जाएगी। वो एक्चुअली ना महीने में 2 से 3 बार जाती है अपने गाँव में, यहीं पास में उसका गाँव है, उसके मामा रहते हैं वहाँ पर। तो कोई नहीं, कुकू को मैं खिला लूँगी, मैं तो संभाल लेती हूँ उसको पूरे टाइम वैसे भी। हाँ जी हाँ जी, चलो इसे निला लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो कुकू को आज मैं ये न्यू कपड़े पहनाने वाली हूँ उसके नानी ने जो भेजे हैं, ठीक है। तो बस फटाफट तैयार करती हूँ इसको। कुकू, तो गाइस कुकू हो गई पूरी रेडी और मैंने सॉक्स भी पहना दिए हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि बच्चे, अब ठंडी जैसे यहाँ पे तो कम पड़ती है लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो सॉक्स ज़रूर पहनाएं। और ये रेडी हो चुकी है पूरी। ये आजकल इसको ना इस काजल की डब्बी से ज़रा ज़्यादा प्यार हो चुका है, तो इसे छोड़ती नहीं है। लगाना है काजल, लगाना है। लगा रही हूँ बेटा। अभी जब तक इसको ये दूंगी नहीं ना, तब तक रोती रहेगी। लो लो लो, शैतान है तू, पता नहीं क्या इस डब्बी से प्यार हो गया इसको। छोटी सी डब्बी है ना ये, येलो कलर की, तो इसे बड़ा अच्छी लगती है, पता नहीं शायद। कुकू दे दो मम्मा को, मम्मा को दे दो। दे तो देती है लेकिन छोड़ेगी नहीं, फिर लेगी भी वापस। अभी मुझे नहाना है, मैं नहाने जाऊंगी बस। तो गाइज मैंने कुकू को दूध पिला दिया और अभी इसको थोड़ी धूप दिखाऊंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मतलब जो भी लेडीज़ फीड कराती है अपने बच्चों को, ठीक है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी वाला जो भी काम आप करो वो या तो आधे घंटे पहले फीड करा दो या फिर आधे घंटे बाद करवाना, क्योंकि आपकी ठंड भी बच्चे को लगती है, तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैं नहाने जाने वाली थी तो मैंने इसे कुकू को दूध पिला दिया, अभी आधा एक घंटा दूध नहीं पिएगी, तो इस बीच में मैं नहा सकती हूँ या फिर कपड़े धो सकती हूँ या बर्तन धो सकती हूँ या झाड़ू पोछा जो भी, मतलब एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं कर सकती हूँ मतलब। तो मेरा तो नहाना रह गया है, तो अब मैंने इसे दूध पिला दिया, थोड़ी धूप दिखा के इसको छोड़ दूँगी, खेल लेगी, फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। आशीष संभाल लेंगे इसको तब तक, ठीक है। तो ऐसे हम मैनेज करते हैं, मतलब मैं मैनेज करती हूँ ऐसे। तो आशीष होते हैं तो आसान पड़ जाता है, बाकी वो नहीं होते हैं तो ऐसे ही इसको छोड़ना पड़ता है खेलने के लिए। अब देखो वो नीचे जाने के लिए कर रही है। चलो चलो धूप देखेंगे, धूप। तो ऐसे खुद भी खड़े होकर धूप देख लेती है, वहाँ बाहर गायों को देख लेगी और ये लॉक कर देगी, खेलती रहती है। कुकू धूपी धूपी देख रहे, धूपी धूपी। हाँ आ जाओ इधर आओ, धूप देखना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बेटा, धूप देखनी है थोड़ी सी। हाँ गाइस एक चीज़ और, कि बच्चे यार कपड़े गंदे करते ही हैं, तो उन्हें खेलने से मत रोको। तो सॉक्स अब ये यहाँ पे ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी चली जाती है, तो उसमें उसको रोकना नहीं, जो करना है करने दो। कपड़े तो आप बाद में भी धुल लोगे, ठीक है, उसका बचपन कभी वापस नहीं आएगा। तो उसे खेल कूद जो वो करती है ना, मैं उसे करने देती हूँ, इसी वजह से करने देती हूँ। शैतानी है यार, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर ये बड़े हो जाएंगे, जिम्मेदारी आ जाएंगी, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की, तो इन्हें अपना बचपन इंजॉय करने दो, इन्हें रोको मत किसी भी चीज़ के लिए, वो जो करते करने दो, बस गलत चीज़ ना करे। कुकू शना, चलो गाइस इसे धूप दिखाने के बाद मैं नहाने जाऊँगी, तो फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। ओले 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 ओले। तो गाइस खाना तो बन गया था मेरा, दाल चावल सलाद और कुछ अचार है, तो वो खाएंगे। अब खाना खा लेते हैं क्योंकि इनका रोटी का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो
गाइस आशीष जा चुके हैं और कुकर सोने का टाइम हो गया है, तो मैं अब क्या करने लगी हूँ, झूले में इस कंबल डाल देती हूँ, कंबल के अंदर इसको डालती हूँ, नीचे शीट बिछा रखी है ताकि सुसु करे तो वो मतलब गीली ना हो, बाकी थोड़ी देर में सो जाएगी झुलाते झुलाते ही। अभी जैसे मैं इसे झूले में सुलाती हूँ तो नीचे से ठंडा लगे इसलिए कंबल बिछा दिया, और रात को जब मैं इसको सुलाती हूँ ना तो इसकी सॉक्स वगैरह उतार के स्वेटर उतार के तो इसको सुलाती हूँ अपने कंबल में अपने साथ, क्योंकि बच्चे को ना ऐसे बंधा बंधा सा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए उसके शरीर में। अच्छा, तो इसलिए मैं वो करती हूँ। बाकी अभी इसको झूले में है तो मैं इसे मोजे वगैरह और स्वेटर तो नहीं लेकिन हाँ कंबल डाल दिया ताकि उसे ठंडा लगे, ऊपर से एक पतली सी चादर उसे उड़ा दूँगी, फिर वो कम से कम 1.5-2 घंटा सो जाती है आराम से ना, फिर उसको नींद मैं देती नहीं हूँ, उसको एक ही टाइम नींद आती है उसकी, बस ये अभी सो जाएगी उसके बाद ये सीधा रात को सोएगी, और ठीक भी है, अब वो बड़ी हो रही है धीरे धीरे तो कम सोए तो ज़्यादा अच्छा है, एक्टिव रहना चाहिए बच्चा, क्योंकि खेल कूद ज़्यादा करेगा तो सही से नींद भी आएगी और सही से भूख भी लगेगी, सब चीज़ें सही से होगी। तो ये बस इसको सुला के ना थोड़े बहुत काम है मेरे वो करूँगी, थोड़े बहुत क्या काम करना है मुझे तो, ठीक है तो मैं तो सोती नहीं हूँ दिन में, बाकी वो करने के बाद खाना तो अब बनना नहीं है, सब चीज़ हो चुकी है तो बस मुझे काम ही करना है। ठीक है गाइस अभी मैं सुला देती हूँ इसको, फिर काम वाम करते हैं, ठीक है मिलते हैं आपको। करो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं, ठीक है देख रहे हो आप कितना उजाला हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग मंदिर निकल रहे हैं, आशीष 1 घंटे के लिए आए हैं अभी खाना खाने, और खाना भी मैंने आधा प्रिपेयर कर दिया है, आधा नहीं हुआ है, तो मंदिर होके आती हूँ उसके बाद यूँ करते हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो मंदिर मैं भी चलता हूँ तो इसलिए मंदिर जा रहे हैं अभी, तो चलो गाइस मंदिर चलते हैं। तो गाइस साग बनाया आज और रोटी, तो सरसों दाल साग और रोटी, मक्के की रोटी नहीं है सिंपल रोटी है घी वाली, तो मैं खाना ही लगा रही थी, ठीक है चलो खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं, फिर मिलेंगे आपको, फिर आशीष को ड्यूटी निकलना है और मूवी वहाँ स्टार्ट होने वाली है अभी, तो देखेंगे और मज़े करेंगे। तो गाइस खाना वाना सब हो गया हमारा, आशीष ड्यूटी जा चुके हैं, कुकु और मुझे बस सोना है, ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मैं इसको सुलाऊंगी डायरेक्ट, देखो 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 आओ मेरा बेटा। तो गाइस मैं इसके कपड़े थोड़े हल्के कर देती हूँ रात को, और हल्का हल्का तेल लगा लेती हूँ नाखूनों पर, जो मैंने बनाया था सुबह मॉर्निंग में ना वो वाला, तो उससे इसको थोड़ा सा ये ठंड वगैरह नहीं लगेगी और अच्छा रहता बच्चों के लिए। हाँ बेटा हाँ, चलो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके मत जाना चैनल को, ओके गाइस बाय, गुड नाइट, सब ध्यान रखिए, और ये बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा शरारत भी करने लगी है, तो इसलिए मुझे छोड़ती नहीं है अब ज़्यादा, हाँ ओके बाय गाइस।